तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या? क्वांटम नंबर्स। क्या है? क्वांटम नंबर्स। ओके, तो देखो बच्चों, जैसे हमारा अपना एक परमानेंट एड्रेस होता है कि हम किस शहर में हैं, ठीक है, किस मोहल्ले में हैं, किस घर में हैं, तो ये सब बताने के लिए हमारा एक अपना एड्रेस होता है। ठीक इसी तरह से एटम में जो इलेक्ट्रॉन हैं उसका भी एक कंप्लीट एड्रेस होता है, मींस वो किस ऑर्बिट में है, किस सबसेल में है, किस ऑर्बिटल में है, क्या स्पिन है, इन सब को बताने के लिए चार नंबर्स लिए गए हैं और उनका एक सेट बनता है। इसी को बोला गया है क्या बच्चों? क्वांटम नंबर्स। यही डिफाइन किया है कि सेट ऑफ फोर क्वांटम, ठीक है, या सेट ऑफ फोर नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक पर्टिकुलर या टोटल, उन सब का एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है, या हम ये कहें कि दस दीज नंबर्स गिव द कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट एड्रेस बताना है, तो जो चार नंबर्स यूज होते हैं उनका एक सेट जो पूरा बनता है वही क्या है बच्चों? क्वांटम नंबर्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल है स्मॉल एन, समझ गए ना? तो ये जो क्वांटम नंबर है बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक होता है। ये क्या क्या बताता है? कि द नंबर विच टेल्स अबाउट मेजर एनर्जी लेवल, ठीक है, कॉमा डिटरमाइन साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। समझ गए बच्चों? कि जो एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उनके मेजर एनर्जी लेवल बताता है। इसके अलावा जो ऑर्बिट हैं और ऑर्बिटल्स हैं इनकी साइज क्या है, इनकी एनर्जी क्या है, इसको बताने वाला जो क्वांटम नंबर है बच्चों वही क्या कहलाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर से समझें, द नंबर विच टेल्स अबाउट मेजर एनर्जी लेवल्स, ठीक है, इसके अलावा डिटरमाइन साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, तो इसको बोला गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी जो वैल्यूज होती हैं बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव और इंटीग्रल नंबर में होती हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं इसकी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, ठीक है। और अब इनमें अगर हमें ये वैल्यूज पता हैं तो हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, किसी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट निकालना है तो ये होता है 2n², ठीक है। ये किस में बताते हैं बच्चों? ऑर्बिट में, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, तो ये है 2n². ठीक इसी तरह से मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट में निकालना है कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो वो होता है क्या बच्चों? n². और ये 2n² क्यों है? क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, तो ये हो जाएगा 2n², मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो जाएंगे n² मतलब ऑर्बिट जो है ऑर्बिटल्स। अगर हमें ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, मींस mvr, तो ये फॉर्मूला होता है nh/2π, जहां n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h है प्लैंक कांस्टेंट। अगर हम साइज और देखें, अगर हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल की साइज का, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एन, मतलब एन का वैल्यू जितना ज़्यादा उतने बड़ा ऑर्बिट और उतना ही बड़ा ऑर्बिटल होगा बच्चों। अगर हमें एनर्जी भी देखनी है ऑर्बिट और ऑर्बिटल की, तो ये भी देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब एन ज़्यादा तो उस ऑर्बिट की या उससे जुड़े हुए ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जैसे हम ऑर्बिट साइज की बात करें तो पहली ऑर्बिट से बड़ी होगी दूसरी ऑर्बिट, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह से ऑर्बिट्स साइज में बढ़ती जाएंगी। ऑर्बिटल साइज की बात करें तो फर्स्ट एस से बड़ा होगा 2s बच्चों, 2s से बड़ा होगा 3s, 3s से बड़ा होगा 4s, ऐसे। और p ऑर्बिटल्स या p सबसेल की एनर्जी भी हम
इसी तरह से डिसाइड कर सकते हैं। तो ऑर्बिट की ये चाहे साइज़ हो या इस तरह से, आप देख रहे हैं कि इस तरह से इनकी साइज़ बढ़ती है। अब देखो बच्चों, अगर n का वैल्यू 1 है तो इसे बोला जाता है फर्स्ट ऑर्बिट, जिसका सिंबल है के सेल, या के सेल भी बोलते हैं इसको। अगर ऑर्बिटल्स आपसे पूछे जाएं कितने होंगे, तो 1 का स्क्वायर मींस 1 ऑर्बिटल होगा पहली ऑर्बिट में। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो आप जानते हैं 2n स्क्वायर, मींस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें, n इक्वल टू 2, तो सेकेंड ऑर्बिट होगी जिसका सिंबल होता है एस एल, वो के सेल है तो ये एल सेल है। ऑर्बिटल्स की बात करें तो 2 ठीक है का स्क्वायर, तो मतलब 4 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक इसी तरह से आपसे पूछा गया है कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप लिखेंगे 2n स्क्वायर, तो ये कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बच्चों, 8। मिनिमम तो 0 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम की बात की गई है। और n इक्वल टू 3 है, मतलब थर्ड ऑर्बिट जिसे m सेल भी बोलते हैं, और ऑर्बिटल्स निकाले जाएं तो 9 आएंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स देखे जाएं तो 2n स्क्वायर के बेस पर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मींस थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। फोर्थ जो सेल होती है बच्चों, n इक्वल टू 4th इससे कहते हैं n सेल, और इसमें अगर ऑर्बिटल्स पूछे जाएं तो ये कितने होंगे बच्चों, 16, क्योंकि n स्क्वायर के बेस पर और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे, मींस 32। तो मैक्सिमम फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखें कि ये है न्यूक्लियस, तो ये है फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट जिसे हम के एल बोलते हैं तो ये है 8, तीसरी जिसे हम एम बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और चौथी ऑर्बिट जिसे हम एन बोल रहे हैं उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इस तरह से ये ऑर्बिट हैं, और यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। तो समझ गए बच्चों कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिटल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम ऑर्बिटल, साइज एटम की भी साइज यही बताता है। तो इस तरह से ये हमें केवल मेजर एनर्जी का नॉलेज हो रहा है, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो बच्चों, दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या सबसे डरी ठीक है क्वांटम नंबर, जिसका सिंबल है स्मॉल एल। सोमरफील्ड ने इसको प्रपोज किया था सबसे पहले, ऑर्बिट में सबसेल की प्रेजेंस को सोमरफील्ड ने बताया था, और उसी के बेस पर ये क्वांटम नंबर आया। तो ये वो क्वांटम नंबर है, दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट सबसेल्स इन मेजर एनर्जी लेवल्स। समझ गए बच्चों कि जो ऑर्बिट्स होती हैं उन ऑर्बिट्स में कितने सबसेल होंगे, मतलब ऑर्बिटल्स के ग्रुप होते हैं उनको बोला जाता है सबसेल। इसको बताने वाला जो क्वांटम नंबर है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसके अलावा आप बताता है ये कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बताता है, इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ठीक है इलेक्ट्रॉन ये है, और शेप ऑफ ऑर्बिटल इनको भी बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। समझ गए बच्चों कि सबसेल कितने हैं, उन सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है, और शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, इसको बताने वाला क्वांटम नंबर था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अगर हम किसी भी n की वैल्यू के लिए l की वैल्यूज देखें तो ये होती हैं 0 से n माइनस 1 तक। अब देखो, n 1 रखोगे फर्स्ट एनर्जी लेवल तो l की वैल्यू 0 आएगी। इसमें एक ही सबसेल होता है, वो है s सबसेल। n की वैल्यू 2 रखी तो l की वैल्यू 0 एंड 1 आई, तो इसमें दो सबसेल होंगे s एंड p सबसेल्स। समझ गए बच्चों, n की वैल्यू 3 रख दें तो l की वैल्यू होंगी 0 1 एंड 2, तो इसमें तीन सबसेल होंगे s p और d सबसेल्स। समझ गए बच्चों, n की वैल्यू 4 रख दें तो l की वैल्यू आ रही है 4, 0 1 2 3, तो इसमें चारों सबसेल्स होंगे s p d और f। ध्यान रखें जितना n का वैल्यू है उतना ही l का वैल्यूज आते हैं, और इस तरह से उतने ही उसमें सबसेल्स होंगे। और भी सबसेल्स होते हैं बच्चों, g f और जो है f g h i, इस तरह से हमें यहाँ तक की ही ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको किसी भी सबसेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स निकालना है बच्चों, तो ये फॉर्मूला है 2l प्लस 1। क्या फॉर्मूला है? 2l प्लस 1। अगर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सबसेल में निकालना है तो इसको डबल कर दो, क्योंकि जितने ऑर्बिटल्स होंगे सबसेल में उससे डबल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं।
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बताना है तो ये फॉर्मूला है रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, जहां एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर एनी सबसेल। देखो इस तरह से एक एक करके समझते हैं। जैसे एस सबसेल है, इसे शॉर्प लाइन भी बोलते हैं, इससे बना है ये एस। एस सबसेल में एल का वैल्यू जीरो होता है। ऑर्बिटल जो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक ही ऑर्बिटल आएगा, जिसे हम एन एस से बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, कोई उसका थ्री डायमेंशनल और जो है इस तरह से वो नहीं होता क्या मोशन, इसीलिए स्फेरिकली होता है, बिल्कुल ऑर्बिट के शेप जैसा, ठीक है, इसीलिए इसका शेप है स्फेरिकल। अगर आपसे साइज और एनर्जी की बात की जाए तो 1s से बड़ा साइज होगा 2s का, 2s से बड़ा होगा 3s का, और इस तरह से एनर्जी लगातार बढ़ती जाएगी। समझ गया बच्चों? फिर हम आते हैं, जैसे p सब सेल देखें तो l का वैल्यू 1 होता है, अगर आप ऑर्बिटल्स देखें तो 3 होंगे, मीन्स इस तरह से जो p सब सेल है वो 3 ऑर्बिटल्स से बना होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंगुलर मोमेंटम की बात करें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये आएगा रूट टू एच अपॉन टू पाई। ध्यान रखें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एन पर डिपेंड नहीं करता, चाहे वो 2p हो चाहे 3p हो, ये वैल्यू जो है सबके लिए सेम आएगी बच्चों, ठीक है। मतलब ये नहीं होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये वैल्यू बदले, ये केवल ऑर्बिटल की शेप साइज पे डिपेंड करता है, सॉरी वो भी शेप पर। अगर हम शेप की बात करें तो जितने भी p ऑर्बिटल्स हैं वो डम्बेल, ठीक है, डम्बेल शेप है, मतलब इस तरह से एक्स वाई जेड एक्सिस में ओरिएंटेड होते हैं। मतलब ये सब के सब एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सियल में होती है। यहाँ तक बात समझ गए? अगर वो पी वाई एक्सिस में है ऑर्बिटल, मतलब एक्स वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है वो जो डम्बल है वो, तो पी वाई, अगर वो एक्स एक्सिस में ओरिएंटेड है तो पी एक्स, और जेड में ओरिएंटेड है तो पी जेड ऑर्बिटल कहलाता है। एनर्जी एंड साइज की बात करें तो 2p से बड़ा होगा 3p और 3p से बड़ा होगा 4p, ये साइज में भी इसी ऑर्डर में दिखेगा और एनर्जी में भी। तो यहाँ तक बात क्लियर है। डी सब सेल की बात करें तो एल की वैल्यू 2 होती है डी सब सेल के लिए। अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे इस तरह से, और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों डी सब सेल में? मैक्सिमम 10, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स हैं तो हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हो गए 10। अगर हम शेप की बात करें तो इनका जो शेप होता है वो है डबल डम्बेल, मींस इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो दो एक्सिस में ओरिएंटेड होते हैं या फिर एक्सिस के बीच में। वैसे भी हम ऑर्बिटल के डायग्राम्स को अलग से डिस्कस करेंगे तो मैं वहाँ अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। अगर हम इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालें डी ऑर्बिटल का, तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये आएगा रूट 6h अपॉन 2π। ध्यान रखें, म्यू एल चाहे 3d हो चाहे 4d हो चाहे 5d, सबके लिए सेम आएगा रूट 6h अपॉन 2π। समझ गए बच्चों? अब आता है कि एनर्जी एंड शेप के बारे में। तो जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना बड़ा शेप साइज आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या एनर्जी एंड साइज, तो ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकी साइज जो है इस तरह से बढ़ती जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से एनर्जी और साइज का अगर आपसे ऑर्डर ध्यान पूछ लिया जाए तो एन पे डिपेंड करेगा, जितना बड़ा एन का मान, मतलब जितनी ज़्यादा वैल्यू एन की, उतना बड़ा सबसेल होगा और उतनी ही उसमें एनर्जी होगी। फिर आता है रिलेटिव एनर्जी। आप सबसेल अगर आपको देना है बच्चों तो ये दे सकते हैं एन प्लस एल से, और ये किसके लिए लगेगा? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है लाइक एज हाइड्रोजन लाइक, तो ध्यान रखें कि सबसेल की जो एनर्जी है फॉर, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, तो उसको आप केवल एन से, किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे ही डिसाइड करेंगे क्या एनर्जी ऑफ सबसेल। समझ गए बच्चों? मतलब ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है और ये वन इलेक्ट्रॉन, तो ये केवल एन से डिसाइड होगा। देखो जैसे हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है तो 1s से ज़्यादा 2s की होगी, लेकिन 2s और 2p की एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी। ऐसे 2p या 2s से ज़्यादा 3s की होगी, लेकिन 3s, 3p और 3d इनकी एनर्जीज बिल्कुल बराबर होंगी बच्चों। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो पहले आप n प्लस l निकालोगे, जिसके लिए n प्लस l ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आती है तो ध्यान रखें
कि n प्लस एल की वैल्यू अगर सेम है, ठीक है, जैसे यहाँ n प्लस एल है, इस पर डिपेंड करती है, और अगर n प्लस एल सेम आता है बच्चों, तो जो एनर्जी देखोगे आप, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n, ये ध्यान रखना है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो यहाँ पर देखो आप कि अगर मैंने निकाली है कि 1s का जो है n प्लस एल 1 हो गया, 2s का 2 हो गया, 2p का 3 हो जाएगा, 3s का भी 3, तो अब यहाँ डिसाइड करना है, तो आप देखोगे 2p और 3p में, 2p और 3s में n का वैल्यू 2p के लिए कम है, इसलिए उसकी एनर्जी कम होगी, और यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ फिर 2p के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, 3s, 3p, s से ज़्यादा हो जाएगी 3p की एनर्जी, और 3p से ज़्यादा होगी बच्चों क्या, 3d की एनर्जी। ये n प्लस एल रूल से देख सकते हैं, वैसे भी हम आएंगे इसको आगे भी पढ़ेंगे आप बाउ रूल में, ओके। एफ सब सेल की बात करें तो यहाँ एल की वैल्यू 3 होती है, अगर हम कहें ऑर्बिटल्स कितने होंगे बच्चों, तो कितने होंगे इसमें 7, इलेक्ट्रॉन इसके डबल होंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपसे कह दिया जाए तो ये हो जाएगा कितना, √12h/2π। साइज की और एनर्जी की बात करें तो वही है, एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी इन सब सेल्स की एनर्जी भी लगातार बढ़ती जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर हम आ जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीसरा क्वांटम नंबर है जिसका सिंबल है ML, स्मॉल l। तो देखो बच्चों, ये वो क्वांटम नंबर है जो ये बताता है कि किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं और उन ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन स्पेस में कैसे है, समझ गए ना। जैसे इसका वैल्यू अगर आप देखोगे तो l की वैल्यू m की वैल्यू के लिए कहाँ से स्टार्ट करोगे, प्लस एल से 0 और माइनस एल तक जाओगे, या कई बार लिखा होता है माइनस एल 0 टू प्लस एल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मींस टोटल वैल्यू आएंगे 2l+1। अब जैसे यहाँ बता दूँ, जब s के लिए l की वैल्यू लेते हैं तो कितना होता है बच्चों, 0, तो m 0, तो यहाँ केवल एक ऑर्बिटल होगा। p के लिए l की वैल्यू 1 है तो m के लिए 3 वैल्यूज होंगी, प्लस 1, 0 और -1, इसका मतलब है इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे पी सबसेल में। डी की बात करें तो एल की वैल्यू 2 है तो एम के 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, +2, +1, 0, -1, -2, इसका मतलब है कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे। और एफ के लिए देखो आप, एम की 7 वैल्यूज़ आ रही हैं, इसका मतलब है कि एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्बिटल्स हैं जिनके क्वांटम नंबर फिक्स कर दिए गए हैं बच्चों, मैं उनको अलग से भी बताऊंगा जब हम ऑर्बिटल डायग्राम समझेंगे, इसके बाद मैं ऑर्बिटल डायग्राम ही पढ़ाऊंगा आपको। फिर आता है स्पिन क्वांटम नंबर, ms। देखो बच्चों, ये वो क्वांटम नंबर है जो किसी भी ऑर्बिटल में ये बताएगा कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उनका स्पिन क्या होगा, मतलब वो कैसे घूमेंगे अपने ही एक्सिस में, इसको बताने वाला क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। इट्स वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ m, तो ये होती है +1/2 -1/2, मींस अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रोटेट होते हैं, एक तो क्लॉकवाइज और एक क्या, एंटी क्लॉकवाइज अपनी एक्सिस में, और दो ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं। तो m की अगर मान लो कोई भी एक वैल्यू लें ऑर्बिटल की, तो आप देख रहे हैं उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो कि अपोजिट स्पिन के होंगे। जैसे फर्स्ट s है तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन का लिए s+1/2 है जो कि क्लॉकवाइज दिख रहा है, और -1/2 है जब एंटी क्लॉक दिखे। अगर हम n की वैल्यू 2 रख दें तो l की 0 और 1 दो वैल्यूज आएंगी, पहले l 0 तो m 0, तो s की दो वैल्यू, l 1 रखें तो m की 6 वैल्यूज, इस तरह से 3 वैल्यू और s की 6 वैल्यूज होंगी। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन के क्या निकाल सकते हैं, चारों क्वांटम नंबर, समझ गए बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये चार क्वांटम नंबर्स आपने देखे, एक बताता है एनर्जी, मेजर एनर्जी लेवल, एक बताता है सब सेल, एक बताता है ऑर्बिटल और एक बताता है स्पिन, एक बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, एक बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, एक बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल और एक बताता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ध्यान रखें, दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल, चाहे वो एस ऑर्बिटल हो या पी हो या डी हो या एफ, एक ऑर्बिटल किसी का भी दे रखा हो उसमें मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझ गए बच्चों। अगर आपको किसी भी सेट को निकालना है कि कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल क्वांटम नंबर सेट है या नहीं, तो ये इतना सा ध्यान रखना है, n greater than l होगा हमेशा, l और m
में एल बड़ा भी हो सकता है एम से और इक्वल, लेकिन कभी भी ध्यान रखें एम की वैल्यू एल से बड़ी नहीं हो सकती, एल की वैल्यू एन से बड़ी नहीं हो सकती। जहां अगर ऐसा कुछ दिखता है उल्टा इसका, तो वो पॉसिबल सेट नहीं होगा। जैसे मैंने कहा एन इक्वल टू वन, तो एल जीरो हो सकता है, एम जीरो, और ये तो पॉसिबल है बच्चों सेट। लेकिन लिखा है एन इक्वल टू टू, एल इक्वल टू वन, एम इक्वल टू टू, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल की वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता है। और दूसरा ये है कि जब n ही 2 है, तो l की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो m की वैल्यू या तो मैक्सिमम जाएगी तो 1 या इससे फिर नीचे, तो ये पॉसिबल सेट नहीं है। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2, s इक्वल टू, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि l से बड़ा दिख रहा है m। इसी तरह से n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 4 और m इक्वल टू 3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों n और l कभी बराबर नहीं हो सकते, हमेशा n बड़ा होगा इन दोनों क्वांटम नंबर से। तो केवल फर्स्ट सेट ही पॉसिबल है। अब आता है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का सेट निकालना है, तो आप किस साइन से कौन सी क्वांटम नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रखें कि अगर कोई सबसेल लिखा है, तो उसके ऊपर जो क्वांटम नंबर्स लिखे हैं, ये -1 +1, ये जो भी हैं, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बताएंगे। तो ये किसकी वैल्यू बताएंगे बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन जो बने होंगे ऑर्बिटल के अंदर, उनके स्पिन को देख कर आप स्पिन क्वांटम नंबर बताओगे। जिस सबसेल में इलेक्ट्रॉन है, उस सबसेल से किसकी वैल्यू आएगी बच्चों, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। मींस यहां पर हमें एल की वैल्यू मिलेगी और यहां से किसकी, एन की वैल्यू। तो जिस सबसेल के आगे जो नंबर लिखा होगा, वही उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। जैसे मैंने लिखा ये है 2p3, ठीक है। अब 2p3 में एक इलेक्ट्रॉन आगे ये है +1 वाले ऑर्बिटल में, एक में 0 वाले में है और एक -1 में। अब मैंने कहा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर, तो एन इक्वल टू 3, एल 1 क्यों, देखो 3 है, एल 1 क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि पी ऑर्बिटल में है, जिसके लिए एल की वैल्यू 1 होती है, और पहला इलेक्ट्रॉन +1 वाले एम खंड में है, तो इसका एम एस की वैल्यू जो है, सॉरी ये एम एल की वैल्यू इस तरह से ये हो जाएगी। और एस चक स्पिन देखो उसकी क्लॉकवाइज है। ऐसे दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन में भी आप देख रहे हैं एन की वैल्यू क्या है बच्चों, 3, एल 1 ही होगा, क्योंकि पी सब सेल में ही है, केवल एम की वैल्यू बदल रही है, 0 हो गई, और एस की वैल्यू +1/2 ही रहेगी। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो वही आएगा, एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 1, लेकिन एम की वैल्यू -1 होगी और एस की वैल्यू तो वही है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि चारों क्वांटम नंबर कभी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम आ ही नहीं सकते, कोई ना कोई वैल्यू बदल जाएगी। इसे बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन लॉ, आगे हम पढ़ेंगे इसको। जैसे हमें लिखा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, उसका क्वांटम नंबर का सेट क्या है। सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, लास्ट इलेक्ट्रॉन पहचान है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स अभी हम और पढ़ेंगे, तब और क्लियर हो जाएगा कहां कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू +1/2। अगर एक सबसेल में पूछ ले कि कितने m बराबर 0 होगा, तो ध्यान रखें ईच सबसेल में एक बार m इक्वल टू 0 जरूर आएगा बच्चों। जैसे 1s में भी m एक बार 0 आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी m इक्वल टू 0 आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी एक बार m बराबर 0 आएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, s में जब, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो इसके देख के भरना है, लेकिन ये बता दूँ कि m इक्वल टू 0 हर एक सबसेल में एक बार जरूर आता है। फिर आप अगर कॉन्फ़िगरेशन लिख के जानते हैं, तो हर एक सबसेल के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें और टोटल ऐड कर लें। अगर किसी में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे 4s1, तो एम एस में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी एम एल में। ठीक इसी तरह से लिखा है कि व्हाट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस ऑर्बिटल, सो हम कहेंगे n इक्वल टू 2 क्यों कहूँगा बच्चों, क्योंकि ये n ये है। l इक्वल टू 1 क्यों कहूँगा, क्योंकि ये p में है। m इक्वल टू -1 क्यों कहूँगा, क्योंकि ये है m की वैल्यू और s उसकी स्पिन है। ऑक्सीजन के लिए चले जाओ, तो ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू 2 मतलब p में दिख रहा है, l की वैल्यू 1 और ये है यहाँ पर m की वैल्यू +1 और इसकी स्पिन होगी -1/2। तो इस तरह से ये क्वांटम नंबर सेट होते हैं। एक चीज़ और बता दूं बच्चों, कौन से ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू, ठीक है, m l, ठीक है, फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स और सबसेल, ठीक है बच्चों, कि अब देखो जैसे कोई भी n s हो तो m हमेशा 0 होगा बच्चों। पी जेड, एन पी जेड, तो इसके लिए m की वैल्यू हमेशा 0 होती है। एन पी एक्स हो या एन पी वाई हो, तो m की वैल्यू
प्लस माइनस वन हो सकती है, ठीक है। ठीक इसी तरह से n अगर एक होता है ना बच्चों, d में चले जाओ। अब d में आता है कि किसके लिए हमें क्या वैल्यू देनी है, तो यहाँ पर d की भी बता दूँ कि n, और उसमें अगर मान लो क्या आ जाता है एन डी जेड स्क्वायर, ओहो एन डी जेड स्क्वायर, तो m की वैल्यू जीरो दोगे, एन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो m की वैल्यू प्लस टू, फिर आता है एन डी एक्स वाई हो या एन डी वाई जेड हो, ठीक है। तो इसके लिए तो m की वैल्यू बच्चों माइनस टू, और वाई जेड और एन डी एक्स जेड कुछ भी हो, इन दोनों के लिए n की वैल्यू जो है प्लस माइनस वन रख सकते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स के लिए आपको ध्यान रखना है। अगर किसी ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन बता दूं, रिप्रेजेंटेशन ठीक है ऑफ ऑर्बिटल, तो बच्चों अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, तो एक फॉर सिंबल होता है n, l, m, इन तीन क्वांटम नंबर की ही सिर्फ ज़रूरत होती है ऑर्बिटल के रिप्रेजेंटेशन को, और इसको बोलते हैं साई। जैसे लिखा है, ध्यान रखें, ये n की वैल्यू बताएगा, ये l और ये m, जैसे लिखा है 2 0 0, तो बताओ क्या बता रहा है, तो आप लिखेंगे इसको क्या 2s, ठीक है बच्चों। ठीक इसी तरह से लिखा है 3, ठीक है, और 2 0, तो ये क्या है 3dz स्क्वायर, ये लिखा है 3 2 1 1, तो आप लिखेंगे क्या, सॉरी 2 1 1 साई, तो 2p और 1 का है कि या तो आप x लिख दें। ठीक इसी तरह से मैंने लिखे साई 2 1 0, तो आप लिखेंगे 2pz। तो इस तरह से अलग अलग क्वांटम नंबर से के बेस पर इस तरह से ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो मैटर क्वांटम नंबर से रिलेटेड है उतना मैंने आपको बता दिया, बाकी ऑर्बिटल की शेप में भी और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसके अलावा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में भी हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, ओके, चार क्वांटम नंबर के बारे में, तो इस तरह से यहाँ पर हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एंड करते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट में मिलेंगे।